हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा लिनोवो K8 प्लस के बारे में जो है सेटिंग क्या है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके अंदर जो है दोस्तों नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में हम बताएंगे। एक कनेक्शन होता है दोस्तों, चलिए हम इसी के बारे में आपको आज हम बतलाते हैं नेटवर्क एंड कनेक्शन। दोस्तों जैसा देख सकते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट जो है दोस्तों यहाँ पर वाईफाई जो दोस्तों सिंपल आपको पता है किसी का भी वाईफाई अगर ओपन रहता है तो आप उसे कनेक्ट करके चला सकते हैं। और दोस्तों मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो आपको पता है ये मोबाइल नेटवर्क होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे नेशनल नेटवर्क ऑल नेटवर्क। तो दोस्तों कई बार आप कहीं बाहर सफ़र कर रहे हो तो जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा या पाकिस्तान या चाइना कहीं भी जाते हो तो दोस्तों आपको इंटरनेशनल या ऑल नेटवर्क पे आपको क्लिक करके रखना है। दोस्तों इससे होता क्या है कि जब आपका जो नेट होता है डाटा वो दोस्तों उसका नेटवर्क नहीं भागेगा। तो दोस्तों यही होता है डाटा रोमिंग का यूज। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं परफॉर्मेंस नेटवर्क जो दोस्तों ये 3G में सेट है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हम जियो 4G पे क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं इसमें जियो 4G पे है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें एक नीचे जो है दोस्तों नेटवर्क ऑपरेटर्स, तो दोस्तों अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो आपका नेटवर्क ऑपरेटर है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा या सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेस पॉइंट नेम क्या है दोस्तों चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक है जियो नेट, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक कनेक्ट है। और दोस्तों बात करें हम डेटा यूज के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना डेटा कहाँ पर यूज हुआ है ये बता सकता है। जैसे देख सकते हैं नेटवर्क वाईफाई डाटा यूज जो है 8.78 हो चुका है 16 से 13 तक। तो दोस्तों इस तरह का कुछ आप यहां से सेट कर सकते हैं मोबाइल डेटा का। और दोस्तों यहां पे हॉटस्पॉट एंड टेट रेटिंग है। दोस्तों क्या है हॉटस्पॉट देख सकते हैं अभी मेरा ऑन है। और USB टेट रेटिंग जो है दोस्तों ये आप कंप्यूटर में कभी भी डेटा से अगर चलाना चाहते हो कंप्यूटर में नेट तो आपको यूज करना पड़ेगा USB टेट रेटिंग, इसीलिए दोस्तों इसका नाम है USB टेट रेटिंग। तो दोस्तों इसका यूज है, तो दोस्तों इसका यूज करते हैं कंप्यूटर में। तो दोस्तों जब आप डेटा कनेक्ट करते हो CPU से मोबाइल में तो दोस्तों आपको ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये यूज है। और दोस्तों आप यूज कर सकते हो ब्लूटूथ टेट रेटिंग का भी। दोस्तों ब्लूटूथ टेट रेटिंग जो है आप ब्लूटूथ के द्वारा भी नेट चला सकते हो कनेक्ट करके। तो दोस्तों और बात करें हम यहाँ पर सिम कार्ड मैनेजर की, तो दोस्तों यहाँ से आप सिम ऑन ऑफ़ कर सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगर आप डीएक्टिवेट कर देते हो SIM 1 को तो आपका दोस्तों देख सकते हैं जो SIM 1 है वो बंद हो जाएगा, उसका नेटवर्क चला जाएगा। अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो फिर से उसका नेटवर्क आ जाएगा। तो दोस्तों ये है यूज यहाँ से सिम कार्ड मैनेजर में। और दोस्तों बात करें हम स्मार्ट सिम के बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट बेस्ट सिम पर वॉइस, मतलब दोस्तों अगर सेलेक्ट कर देते हैं तो आपका जो वॉइस क्वालिटी है वो अच्छा आएगा। और दोस्तों हम बात करें यहाँ पर VPN के बारे में, दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि VPN जो है नन है, इसका पूरा नाम जो होता है दोस्तों इसका नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और दोस्तों एरोप्लेन मोड तो आपको पता ही है, अगर कहीं आप बाहर में सफ़र कर रहे हो तो दोस्तों आपको एरोप्लेन मोड को ऑन कर लेना चाहिए। दोस्तों इससे होता क्या है चलिए दोस्तों हम हॉटस्पॉट को ऑन कर देते हैं। दोस्तों मैंने बता रहा था अभी कि एरोप्लेन मोड होता क्या, एरोप्लेन मोड होता है ये दोस्तों कभी आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हो तो या कहीं पर बिजली कड़क रहा होता है तो दोस्तों इस मोड का यूज़ किया जाता है मोबाइल को बिना ऑफ़ किए। तो दोस्तों मोबाइल को ऑफ़ किए बिना आप यूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको यूज करना पड़ेगा एरोप्लेन मोड। तो दोस्तों इसे अगर आप ऑन कर देते हैं तो दोस्तों आपका जो मोबाइल का नेटवर्क है वो भाग जाएगा। तो दोस्तों यही है इंटरनेट, यहाँ देख सकते नेटवर्क एंड इंटरनेट है। तो दोस्तों हमने आज आपको बताया कि इंटरनेट नेटवर्क एंड इंटरनेट को कैसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी सेटिंग में मैंने बताया कि कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, वरना डिसलाइक कीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दोस्तों देख सकते हैं नीचे में सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों, उस पर क्लिक कीजिए और बगल में आइकॉन है दोस्तों दो बेल का, उससे भी दबाइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बात वंदे मातरम।